I'll take care of your role. Okay, thank you. Okay, well, जी खाक साहब, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद तो आया होगा। It's a great, हमें बिल्कुल पसंद आया and we want more commercials with you. इंशाल्लाह ताला सर। And excuse me. Okay. आप इन्हें थोड़े से brief करो, ठीक है? मैं आता हूँ। सब मुझे चांदनी के नाम से जानते हैं। मेरी बदनसीबी तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब मैं पैदा हुई थी। आप कैसे बाप हैं? एक माँ से कह रहे हैं कि वो अपने जिगर के टुकड़े को यतीम खाने वालों को सौंप दे। शाजिया, शाजिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी वो बच्चा है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा पूरी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में तमाशा बनकर रह जाएगा और मैं किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहूंगा। सुनहरी गोटे में तू पेरी गोटे, सुनहरी गोटे में तू पेरी गोटे में सज गई गली मेरी माँ। सुनहरी गोटे में, सुनहरी गोटे से तुम कहते हो कि वो अपनी औलाद तुम्हारे हवाले कर भी नहीं हो सकता। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। सद के चली जाऊं बेगम साहबा, अल्लाह ताला ने इसे हमारी तरह का बनाया है, ये हमारा है। जो कुछ भी हो है तो ये मेरी औलाद, तेजी अपनी औलाद को खुद अलग नहीं कर सकती। मैं भी इसे मां बनकर ही पालूंगी, आंख का तारा बना के रखूंगी मैं इसे।
पापा आप इतने जालिम हो सकते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या कोई बाप अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा करता है जैसा कि आपने किया पापा? बताइए, बोलिए, क्यों किया आपने ऐसा? अगर वो अधूरी थी तो उसमें उसका क्या कसूर था? क्यों किया आपने उसको हिजड़ों के हवाले? सिर्फ इसलिए, सिर्फ इसलिए कि आपके शान और शौकत पर दाग ना लग जाए, या इसलिए कि आप एक अधूरे बच्चे के बाप ना कहलाएं? पापा, आपकी सजा अभी खत्म नहीं हुई है। वो इसलिए कि वो अधूरी औलाद आपकी आज भी जिंदा है और मैं खुद उससे मिलकर आ रहा हूं। वो सब तो ठीक है, मगर ये एड्स बनाते बनाते मैं फिल्म बनाने का ख्याल कैसे आ गया? खबर इस सवाल की इतनी अहमियत नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये फिल्म कैसी लगी? क्या मैं इस कैरेक्टर को घर पर लाऊं या नहीं? अगर ये सवाल मुझसे कहने की बजाय तुम अपने आप पर रख के सोचो, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। मैं कुछ समझा नहीं यार। अगर ये कैरेक्टर वाली सिचुएशन खुद तुम्हारे साथ होती, क्या तुम हिजड़े को बहन या भाई बनाकर अपने घर ले आते? Maybe. एक ऐसे हिजड़े को जिसके उसके बाप ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी बीवी या सोशल सर्कल कैसे एक्सेप्ट कर लेगा यार? मैं नहीं मानता लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी इस बात को। मेरे ख्याल में अगर तुम कोई फिल्म बनाना चाहते हो तो किसी लाइट या रोमांटिक मौजू पर बनाओ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा, जिसके लिए कोई तुम्हें शायद फाइनेंसर भी मिल जाए, कोई प्रोड्यूसर मिल जाए, स्पॉन्सर मिल जाए। आगे तुम्हारी मर्जी। चलो मैं चलता हूँ यार। तुम कहाँ जा रहे हो? 2 बजे एक क्लाइंट से मीटिंग है मेरी, उसके बाद मुझे शायद एक जगह जाना है। मेरे ख्याल में हम शाम को जिम खाना में मिलते हैं, राइट? ओके, यू टेक केयर। ओके बाय। चांदनी ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा कि मैं भी दुनिया के तमाम मर्दों की तरह उसकी कहानी को किसी फिल्मी कहानी समझकर भूल गया? नहीं चांदनी, नहीं, मैं कुछ नहीं भूला, कुछ भी नहीं। चांदनी तो ये भी नहीं जानती कि हमारे पापा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे, मगर मैं अपनी बहन को उसकी रूठी हुई खुशियां वापस देकर रहूंगा।